पानी के बाद अगर हमारी कोई फेवरेट ड्रिंक है जो हम इंडियंस को सबसे ज्यादा पसंद होती है, वो है चाय और कॉफी। चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हो, हमें हर ब्रेक में चाय चाहिए ही चाहिए होती है। चाहे हम हाउसवाइफ हो तो हम हर 3 बजे हमें चाय चाहिए ही होती है। अगर हम 3 से 4 बार दिन में चाय नहीं पीते तो हमें एनर्जी नहीं आती। अब आप ये देखिए, चाहे हमारे घर में कोई मेहमान आए, हम उसको हमेशा ये पूछेंगे कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी। चाहे हम कहीं रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, एयरपोर्ट पे जा रहे हो, हर जगह चाय और कॉफी अवेलेबल होती है हमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि चाय और कॉफी के रिलेटेड कुछ मिथ है हमारे, हम उन चीजों को सोल्व करेंगे कि चाय और कॉफी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम सब ने सुनी है कि इसके ये फायदे हैं, तो क्या हकीकत में वो उसके फायदे हैं भी या नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप पूरा चाय और कॉफी के रिलेटेड सारी बातें, सारी चीजें आप जान पाएंगे। और अभी तक भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ, अपनी सेहत संबंधी सारी की सारी जानकारियां यहां मिलने वाली है। सबसे पहला जो फायदा हमें बताया गया है आज तक टी एंड कॉफी के बारे में, वो है कि ये हमें एनर्जी देता है। अगर हम काम कर रहे हैं 2 घंटे में, हम थक गए तो हम क्या करेंगे, हम टी और कॉफी लेंगे, राइट? तो इस चीज को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई घोड़ा है और वो लगातार चल रहा है, वो 2, 5, 10, 20 किलोमीटर चलने के बाद वो थक जाता है और वो धीरे होता है, तो जो घुड़सवार है वो क्या करता है, वो उसकी और डंडे से पिटाई करेगा, फिर वो दौड़ा भागेगा। फिर जब वो घोड़ा रुकेगा तो वो घुड़सवार फिर से उसकी पिटाई करेगा और फिर वो दौड़ा भागेगा। तो इसमें उस घुड़सवार को लगता क्या है कि वो जब जब उसकी पिटाई कर रहा है तब तब वो घोड़ा बहुत तेज भाग रहा है। इसी चीज को हम टी एंड कॉफी से रिलेट करते हैं कि जैसे जैसे हम चाय और कॉफी पी रहे हैं तो हमें एनर्जी वापस से आ रही है। पर हकीकत अगर हम इस चीज की समझे कि हम थक रहे हैं, नो डाउट, अच्छा है, पर उसमें आप टी एंड कॉफी पी रहे हैं तो वो एक लिमिटेड समय के लिए आपको एनर्जी आ रही है, पर उसके साथ साथ में कितना बैड इफेक्ट आपको वो देखी जा रही है, इस चीज का हमें कोई अंदाजा भी नहीं है कि हम सिर्फ वो 2-5 मिनट की एनर्जी देते हैं कि वो घोड़ा जो डर से भाग रहा है, हमें वैसे ही हमारे बॉडी को हम ट्रीट कर रहे हैं कि हमें एनर्जी चाहिए थी तो हमने या तो टी लिया या तो हमने कॉफी लिया। बट दिस इज नॉट ट्रू। आपको टी एंड कॉफी एक सिर्फ 1 से 2, 5, 10 मिनट के लिए आपको एनर्जी दे सकती है, पर इससे ज्यादा आपको एनर्जी नहीं दे सकती है। दूसरा जो हमें फायदा बताया गया है आज तक टी एंड कॉफी के बारे में है, वो है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। पर इस चीज को समझे कि माना 1% इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, पर हर वो चीज जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। 1% तो एंटीऑक्सीडेंट है, पर 99% जो ये हमारे शरीर को बैड इफेक्ट दे रही है उन चीजों को हम कैसे भूल सकते हैं। आप सभी को इस बात का पता है कि टी एंड कॉफी जो है हमारे शरीर के एसिडिक नेचर को बढ़ा देती है, हमारे शरीर में गैस, एसिडिटी, इन सारी चीजों को बढ़ावा देती है। और अगर हम लंबे समय तक टी एंड कॉफी का सेवन करते हैं तो हमारे घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी को एबिलिटी को कम करता है, हमारे जो जोड़ों में ग्रिस बना होता है उस ग्रिस को कम करता है, हमारे शरीर से कैल्शियम को छीन लेता है। तो जब हमें लगता है ना कि हम 20-23 साल हो गए हमें चाय पीते हुए और आज हमें डॉक्टर ने बोला कि हमें अर्थराइटिस है या हमें जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो उस चीज से हमें शॉक नहीं होना है, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का नतीजा है कि हमने लगातार 10-20-15-20 साल तक चाय या कॉफी का सेवन किया है, इसलिए आज हमारे जॉइंट काम नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। तो कोई भी चीज कभी एक दिन में आपको इफेक्ट नहीं करती, पर हाँ, अगर हम उसको लंबे समय तक यूज करते रहेंगे तो वो डेफिनेटली आपको इफेक्ट करेगी। आप इस चीज को समझ लें कि अगर आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रही है, आपको डॉक्टर ने अर्थराइटिस बताया है या हमारे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा है हमारा लगातार चाय और कॉफी का सेवन करना। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर से फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे 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 करके कम करता गया है। तीसरा जो फायदा हमने इसका सुना है कि चाय पिए बिना हमारा पेट साफ नहीं होता। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा कि सुबह की चाय तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसके बिना हमारा पेट साफ नहीं हो पाएगा। पर आप इस चीज को समझे कि चाय पीके पेट साफ हो रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि चाय हमारे लिए फायदेमंद है। आपने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि सिगरेट पी के
होते हैं, तो इसका मतलब आप ये थोड़ी ग्रेड करेंगे कि सिगरेट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। डेफिनेटली नो, सिगरेट एंड टी से हम अगर फ्रेश हो रहे हैं तो वो हमारे शरीर में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं कर रहा। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम एंटीऑक्सीडेंट, हम फाइबर रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाना ऐसे खाएं कि हमें सुबह फ्रेश होने के लिए चाय की, कॉफी की या कोई भी प्रकार की सिगरेट की हमें जरूरत ना पड़े कि हम उसको पीने के बाद हम फ्रेश हो रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है, जिस चीज को मैं हमेशा बताती हूँ, कि अगर हमें हमारी हेल्थ को चेक करना है तो वो सबसे पहले ये चेक करें कि क्या आप सुबह अच्छे से फ्रेश हो पा रहे हैं बिना चाय कॉफी के पिए। अगर हाँ, इट मीन्स आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, और अगर नहीं तो डेफिनेटली हमें हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट है। चौथा और सबसे बड़ा जो मिथ है हमारे बीच में, कि ये तो हमारी भारतीय परंपरा का संकेत है कि अगर हम चाय नहीं पी रहे इसका मतलब है, ये है कि हम हमारी भारतीय परंपरा को हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। बट लेट मी टेल यू कि ये हमारी भारतीय परंपरा से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि सिर्फ 120 साल पहले 1900 के दशक से ही चाय पीना, कॉफी पीना स्टार्ट हुआ है। 1900 से पहले ना तो चाय के कोई बगान हुआ करते थे, ना लोग चाय की खेती किया करते थे। 1900 के बाद ही लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया है, कॉफी पीना स्टार्ट किया है। तो ये हमारी भारतीय परंपरा को नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारे जो इंडियन लोग थे चाय के आने से पहले औषधियों से रिलेटेड, बहुत सारे हर्ब्स से रिलेटेड काढ़ा पिया करते थे, जो हकीकत में हमारी हेल्थ को अच्छा करता था। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ 2-5 मिनट के सुख के लिए, कि हम थक गए हैं, हमें काम करना है, हमें एनर्जी चाहिए, इसके लिए हम चाय कॉफी पीते हैं, तो वो लंबे समय तक पीने में हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। हमें आज ही इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर हमने 10, 20, 30 साल तक इस चाय कॉफी का सेवन कर लिया तो हमारी हेल्थ में कितना बड़ा इफेक्ट दे सकती है। और इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि मैं तो दिन में सिर्फ एक बार पी रहा हूँ, मुझे क्या नुकसान करेगा। मैं हकीकत बताऊ आपको, दिन में एक बार भी वो आपकी हेल्थ के ऊपर बड़ा इफेक्ट दे रही है। और हाँ, डेफिनेटली इस चीज को भी मैं एग्री करती हूँ कि बिना कोई रिप्लेसमेंट के आप चाय को नहीं छोड़ सकते। जैसे मैंने पिछले 6 साल पहले इस चाय कॉफी को खत्म किया और मैं चाय और कॉफी नहीं पीती हूँ, तो उसका रीजन है कि मैंने वीस्लिम टी को पीना स्टार्ट किया है। और ये वीस्लिम जो टी है हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, चाय कॉफी का एक अच्छा रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। क्योंकि हम सब लोगों को चाहिए क्या होता है कि हम बैठे हैं तो हमें कुछ पीने को चाहिए, सुबह सुबह हमें कुछ कुछ ऐसा गरम गरम चाहिए कि जो हम पी पाए। पर उसका आपके पास एक ऐसा संसाधन हो, कुछ ऐसा मिल जाए कि आप उसकी वजह से ये पी पाए, तो आपके लिए भी बेस्ट होगा ना, राइट? तो अगर आप भी इस वीस्लिम टी को ऑर्डर करना चाहते हैं या इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं, तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप मुझे वहां जाके मैसेज कर सकते हैं, आपको ये वीस्लिम टी अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जो आप चाय का स्वाद लेते हैं वो स्वाद भी मिलेगा, पर आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो लास्ट डिसीजन जो है वो आपका है कि आपको चाय कॉफी लगातार पीनी है या नहीं पीनी। मेरा काम है सिर्फ आपको इन चीजों से इंट्रोड्यूस कराना, जो कि मैंने कराया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। थैंक यू सो मच, आपसे जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।